हेलो नमस्कार, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार वापस मेरे YouTube चैनल इट्स एम कुमार में। मैं मनोज कुमार आप सभी के साथ एक बार फिर से हूँ। और आफ्टर लद्दाख राइड आज फिर एक छोटी सी राइड होने जा रही है, तो आप लोग रास्ता एंजॉय कीजिए। वैसे भी पता नहीं इस मेरा जो एक्शन कैम है और इसकी जो बैटरी प्लस जो माइक है सब ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका है, तो हम तो बस ऐसे ही काम चला रहे हैं। आज जो राइड होने वाली है वो ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर है और ये शुभम हमारे साथ है लद्दाख राइड पे थे, तो अभी हम दोनों का ही एक से सडनली प्लान बन गया, तो हम देखते हैं। चलो, तो यहाँ पे ये बनास नदी आ गई है और मूंगफली बोले तो शुभम इंजॉय करता हुआ। तो ये है बनास नदी। तो यहाँ पे अभी अभी मैंने देखा जो मेरी बाइक है उसके अंदर एक गिरगिट घुसा हुआ है, उसको मुझे निकालना पड़ेगा, लेकिन ये कभी भी कूद के इधर उधर आके और पूरा सिस्टम ख़राब करवा सकता है। दिख रहा है आपको ये जगह? मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व गरड़िया व्यू पॉइंट। अरे यार, चारों तरफ बेर ही बेर लगे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे कहाँ आ गए हैं तो आपको दिखाता हूँ एक बार थोड़ा सा चल के। और मैं जहाँ पे आया हूँ वहाँ का नज़ारा देखो एक बार। तो भाई यही है गरड़िया महादेव का व्यू पॉइंट, जहाँ पे जो चंबल नदी है वो व्यू पॉइंट बनाती है। और देखो कितना शानदार लगता है। पहले जब सबसे शुरू में आए थे तब यहाँ पे हमने शुरू किया था हमारा मतलब पूरा राजस्थान राइड का सफ़र, और उसके अगर वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रहा है, तो आप ज़रूर से देखना। वीडियोज़ काफ़ी अच्छे थे, हालाँकि हमारी शुरुआत थी उस समय। और कितना शानदार पॉइंट है, मतलब इसकी जो गहराई है भाई साहब क्या लग रही है। बात और बता दूं कि यहाँ पे क्या है कि पहले तो बंदर नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज हाल फिलहाल तो भाई साहब खूब बंदर हो रखे हैं। तो यहाँ पे मतलब अभी बाइक लगा रखी थी उसके बैग के अंदर से बंदर ने सामान निकाल के भागने लग गए, ग्लव्स वगैरह सब निकाल के फेंक दिए। तो अभी बाइकों को थोड़ा दूर लेके आए हैं वहाँ से ताकि बंदरों से थोड़ा बचा सके। और एक वो जिसका ट्राइपॉड का सामान था कुछ वो नीचे गिर गया तो वहाँ पे ढूंढने गया हुआ है। यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ना ये बंदर, इनकी मैं बात कर रहा था। ये देखो बाइक पे स्कूटी पे वो चढ़ गया, पूरी गैंग घूम रही है, फ़ोन छीन रहे हैं और खाने की चीज़ें छीन रहे हैं, बैगों पे कूद रहे हैं। फुल आतंक मचा रखा है यार इन बंदरों ने यहाँ पे। तो ये है कोटा का हैंगिंग ब्रिज, ये पूरा फ्लाई ओवर केवल जो ये मोटे मोटे वायर दिखे हुए हैं इस पर टिका हुआ है।
योजना का लाभ उठाएं।